अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेडिशनल रेसिपी सीखने वाले हैं जो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पुराने किसान, जो पहले ज़माने के किसान थे ना, वो इसी तरह से खेत में खाना लेकर जाया करते थे। तो आज हम सीखने वाले हैं लाल मिर्च का ठेचा। ठेचा ये मराठी शब्द है। ठेचा मीन्स कुचलना या मसलना। तो यहाँ पे ना मिर्ची को मसल कर यानी कूट कर बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ठेचा है। तो यहाँ पे ली है मैंने 250 ग्राम लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च सूखी नहीं है, फ्रेश वाली लाल मिर्च है। आप चाहे तो यहाँ पे सूखी वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन इसे बनाने से पहले आधा घंटा पानी में भिगा कर रखिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप इसके डंठल निकाल कर लेंगे। तो इसी तरह से इसके मैं सारे डंठल निकाल कर इसे 2 से 3 हिस्सों में कट करके ले लिया है। कट करने के पहले मैंने इसे अच्छे से धो कर लिया था और सुखा भी लिया था, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे ली है मैंने मिक्सी जार। तो सारी मिर्ची को मैंने मिक्सी जार में डालकर इस तरह से दरदरा पीस कर लिया है। लाल मिर्च पहले से ही थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो बाकी की चीज़ें इसके अंदर आसानी से मिक्स हो जाएगी और ठेचा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 मुठ उतना लहसुन। लहसुन के कलियाँ यहाँ पे कम से कम हमें 25 से 30 तक लेना है। उसके बाद ले रही हूँ यहाँ पे 1 नींबू। तो बड़े साइज़ का 1 नींबू लेना है, उसका जूस भी इसी में डाल कर लेंगे मिक्सी जार में। उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा। इस ठेचे में ना जीरा इसकी जान होती है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक, और साथ में यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। बस ये टेस्ट को बैलेंस करेगा, इसीलिए थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल कर लेंगे, खट्टा मीठा और तीखा स्वाद आने के लिए। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और वापस से एक बार इसकी फाइन पेस्ट बना कर लेंगे। तो मिक्सर को चालू बंद करते हुए हमें अच्छे से पीस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बनना चाहिए। तो चलिए अब इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। तो लिए है मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई, गैस की फ्लेम लो पे करके यहाँ पे मैं डाल रही हूँ राया का तेल। आप चाहे तो कोई भी तेल यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले राया के तेल को अच्छे से गर्म करके लेना है, क्योंकि ये ठीक होता है। तो ये देखिए ये पतला हो गया है अब। तो उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने से राया की जो भी महक होती है वो चली जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो भी महक है वो चली जाए। आप यहाँ पे दूसरा कोई ऑयल यूज़ करने वाले हैं तो उसमें नमक मत डालिए, तो उसमें डायरेक्ट आप यहाँ पे हींग डालिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच हींग। हींग यहाँ पे पाचन क्रिया को सुधारता है, तो इसीलिए हींग डालना ज़रूरी है। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तो तेल अच्छे से गर्म हुआ है, उसमें नमक और हींग डालने के बाद जीरा डाल कर लेंगे। तो जीरा इस तरह से फूलना चाहिए। तो 1/2 चम्मच जीरा, उसके बाद जो हमने पेस्ट बना कर ली है लाल मिर्च की वह डालेंगे। तो ये सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करनी है। तो अब इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम हाई पे नहीं करनी है और यहाँ पे ज़्यादा पकाना भी नहीं है। गरम तेल में लो फ्लेम पे ही हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक चम्मच को चलाते रहेंगे नॉनस्टॉप, ताकि तेल के अंदर ठेचा अच्छे से मिक्स हो जाए और ये तेल की वजह से इसे स्टोर करने में भी आसानी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। तो हमने पीसते वक्त भी नमक डाला था, अभी भी डाल रहे हैं और तेल के अंदर भी डाली थी, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे नमक डालना है। वैसे भी ठेचा स्टोर करने के लिए ज़्यादा दिन अच्छा रहने के लिए उसमें नमक का इस्तेमाल और तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब आप इसे फौरन ही खा सकते हैं या फिर आप एयर टाइट कंटेनर में इसे भरकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत होगी तब सूखा चमचा डालकर इसे निकालिए। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, तो ये आराम से महीना भर खराब नहीं होगा। ये बहुत ही कम चीज़ों में और स्वादिष्ट बनता है। अगर घर पर कोई सब्जी ना हो या फिर मुँह का टेस्ट चला गया हो तो इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो ये वाला ठेचा खाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा तीखा लगेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसे बना सकते हैं। ज़्यादा तीखा लगेगा तो आप उसमें नींबू का जूस और थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए उसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए। पहले जो किसान थे या फिर पहले के लोग जो थे वो इसी तरह से खाना खाते थे, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ नमक प्याज और ये ठेचा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर खा कर देखिए। अगर वीडियो में ज़रा सभी को सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब